मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो जंगल में कैंपिंग और अपनी हॉलीडेज एंजॉय करने आए थे, जिसमें ये चेक शर्ट वाले का नाम सैम होता है और दूसरे का नाम जॉन और ये लड़की मैंडी जो सैम की पत्नी है। अब जॉन जंगल में अंदर जाते समय पेड़ों पे कुछ निशान मारता है और बोलता है कि वापस निकलते समय ये निशान हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम जंगल में खोए ना। दरअसल जॉन और सैम पहले भी यहाँ शिकार करने और अपनी हॉलीडे एंजॉय करने आ चुके थे, लेकिन इस बार ये अपने साथ मैंडी को भी लेके आते हैं। अब ये सभी लोग अपनी अपनी गन लेके शिकार करने जाते हैं, पर मैंडी निशाना लगाए खड़ी रहती है, वो शिकार नहीं कर पाती कि तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और ये गोली जॉन ने चलाई थी क्योंकि वो पहले भी शिकार कर चुका था। अब रात को सैम और मैंडी एक टेंट लगाते हैं और खाना बनाकर ये तीनों लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद मैंडी और सैम इस टेंट में सो जाते हैं और जॉन बाहर कहीं सो जाता है। अब अगली सुबह मैंडी उठती है जो देखती है कि उसकी छत यानी टेंट गायब है, तो इसलिए जल्दी से वो सैम को उठाती है और बताती है कि ये देखो हमारा सारा सामान गायब है, कोई चोर हमारा सारा सामान ले जा चुका है। पर सैम बोलता है मैंडी ये तुम्हारे सिर पे कैसा निशान है। अब मैंडी भी सैम के सिर पे सेम निशान देखती है, तो इन दोनों को लगता है कि ये हरकत जॉन ने की है क्योंकि वो वहाँ नहीं होता, तो इसलिए ये दोनों लोग जॉन को ढूंढते हैं। पर जॉन बोलता है मेरे बड़े भाई सैम आप पागल हो क्या, मैं ऐसा बद्दा मजाक क्यों करूंगा आपके साथ, मुझे लगता है ये काम किसी चोर ने किया है जो पहले यहाँ आया और आते ही उसने आग बुझाई और टेंट वेंट लेके और सारा सामान लेके वो इस साइड से निकल गया। दरअसल इन लोगों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना खाना पीना ना पानी, इवन इनका फोन तक नहीं। अब मैंडी और सैम जॉन के कहने पे सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अब वे चोर इतने गरीब थे कि उन्होंने इन लोगों के जूते तक नहीं छोड़े थे। अब आगे जाके जॉन मैंडी और सैम को बाहर निकलने को बोलता है, वो बोलता है कि तुम लोग इस साइड से बाहर निकल जाओगे और मैं जंगल के अंदर जाके चोर को ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए मैंडी और सैम जॉन के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ते हैं और जल्दी वो जॉन के लगाए हुए निशान भी देख लेते हैं, पर इस समय वहाँ बहुत सारे निशान लगे थे और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। अब ये सब देख के ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और इधर जंगल में कोई अचानक से जॉन पे गोली चलाता है, तो जॉन जल्दी जल्दी भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और उससे लड़ने के लिए हथियार तैयार करता है। अब धीरे धीरे जॉन गोली चलाने वाले के हट के नीचे आता है, जहाँ वो गनमैन अभी भी अपनी हट में ऊपर था, तो इसलिए जॉन धीरे धीरे करके हट के ऊपर चढ़ता है और मौका मिलते ही जॉन उस गनमैन पे अटैक कर देता है और उसकी गन लेके उसी को बहुत बुरी तरह मारता है। अब जॉन उस गनमैन को गोलियां मारने वाला था, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए जॉन पीछे मुड़के वहाँ पड़ी कारतूस उठा के गन में गोलियां लोड करने लगता है, पर तभी वो गनमैन पीछे से उठकर जॉन पे अटैक कर देता है, मतलब उसे चाकू मार देता है और जॉन नीचे गिर जाता है। अब ये गनमैन नीचे पड़े जॉन की वीडियो बनाता है और दूसरी तरफ सैम और मैंडी अब अपना दिमाग चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर चलते चलते ये दोनों काफी थक चुके थे, तो इसलिए एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ इन्हें पानी दिखाई देता है। अब हालांकि इन दोनों ने एक दिन से ना कुछ खाया था ना पिया था, तो इसलिए सैम हर हाल में पानी पीना चाहता था और मैंडी को भी पिलाना चाहता था, तो इसलिए वो पानी की बोतल निकालने लगता है। पर तभी मैंडी की नजर वहाँ लगे एक ट्रैप पे पड़ती है, तो इसलिए वो सैम सैम करके रुकने को बोलती है, पर सैम तब तक उस ट्रैक पे अपना पैर रख देता है और उसका पैर फंस जाता है। अब कुछ देर बाद मैंडी सैम को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ती रहती है और आगे बढ़ते हुए मैंडी को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर ये दोनों लोग चले जाते हैं, लेकिन ये झोपड़ी पूरी तरह खाली होती है। पर इन दोनों को यहाँ एक वॉकी टॉकी मिल जाता है जो इनके बड़े काम का होता है, जिसके बाद मैडी वहाँ पड़ी फर्स्ट एड किट से सैम के पैर पे पट्टी बांधती है और उसे वहाँ एक पड़ी हुई पैंट भी मिलती है जिसे वो पहन लेती है, जिसके बाद वो सैम से बोलती है कि देखो यहाँ एक नदी है और इस नदी के सहारे हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। पर सैम बोलता है नहीं मेरी जान, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग, वो बदमाश, वो लुटेरे, वो चोर यही चाहते हैं कि हम इस नदी के किनारे चलते हुए उनके सिकंजे में फंस जाएं, लेकिन हम लोग उस चोटी के थ्रू यहाँ से निकलेंगे। पर तभी अचानक इन्हें बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर ये दोनों लोग छिप जाते हैं। अब कुछ देर बाद सैम बाहर जाके देखता है, पर बाहर कोई नहीं होता। अब सैम मैंडी से बोलता है कि तुम इस पीछे के रास्ते से उस पहाड़ी पे पहुंचो और मैं मेन गेट से आते हुए इन लोगों को चेक करते हुए, इनसे लड़ते हुए तुम्हारे पास चोटी पर ही पहुंचता हूं। अब मैंडी सैम को अकेला छोड़ने से मना कर देती है, पर सैम मैंडी को समझाते हुए वहां रखा एक वॉकी टॉकी देता है और बोलता है हम इसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी वहाँ पहाड़ी पे तुम्हें मिलूंगा। जिसके बाद मैंडी पीछे के गेट से निकल जाती है। अब सैम बाहर आता है जहाँ उसे जॉन का लॉकेट मिलता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि मेरा भाई शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा, कि तभी कोई सैम पे गोली चला देता है। अब सैम जख्मी हालत में भी आगे बढ़ रहा था और इधर मैंडी भी पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अब सैम जख्मी हालत की वजह से ज्यादा आगे नहीं जा पाता, तो इसलिए उसे पकड़ लिया जाता है कि तभी एक
गोली चलने की आवाज आती है और इधर मैंटी भी अपनी जीत तोड़ मेहनत करके ऊपर चढ़ रही थी और एट द एंड वो ऊपर चढ़ने में कामयाब भी रहती है। और ऊपर चढ़ते ही वो सैम को कॉल लगाती और बोलती है, सैम मेरी जान तुम अभी तक कहाँ पहुँचे हो, जल्दी बताओ। तो सैम बोलता है, मैंटी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पास नहीं बल्कि अपने भाई जॉनी के पास पहुँच गया हूँ और अब मुझे भी मेरे भाई की तरह दूसरी दुनिया में जाना है और हो सके तो मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ के जा रहा हूँ और अब अपना ख्याल रखना। पर बेचारी मैंडी रोते हुए सैम को आवाज लगा रही थी, पर उसे क्या पता सैम की आवाज तो हमेशा के लिए इन जल्लाद लड़कों ने बंद कर दी थी। अब सैम को मारने के बाद ये खूंखार लड़के मैंडी को ढूंढने लग जाते हैं और जल्दी ये तीनों लड़के मैंडी को ढूंढ भी लेते हैं, पर वो दूर हो रहे के कारण ये लोग उसके पीछे भागते हैं और मैंडी भी अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी, पर भागते भागते वो गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है। इधर ये लड़के भी मैंडी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे क्योंकि इन्हें बस मैंडी की जान चाहिए थी, लेकिन इस बार मैंडी भी अपनी दिमाग चलाते हुए उनसे बचने का जुगाड़ निकाल लेती है। मतलब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस बार भागेगी नहीं बल्कि इन लड़कों से लड़ेगी, अपने पति और देवर का बदला लेगी। अब इन लड़कों के जाने के बाद मैंडी बाहर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता सिवाय एक गाड़ी के, तो इसलिए मैंडी भाग के उस गाड़ी के पास जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इन लड़कों ने उस गाड़ी का बिल्कुल कंडम कर दिया था, मतलब हर चीज गायब थी, पहिए इंजन वगैरह। खैर गाड़ी ना चले तो चले, लेकिन उसे वहाँ खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं जिससे खा के वो अपना पेट भरती है और पानी से अपना सिर धोती है और पानी से अपने सिर में लगी चोट को साफ करती है। और अब मैंडी गाड़ी से लड़ाई से रिलेटेड सारा सामान निकाल लेती है। और इधर ये तीनों लड़के मैंडी को ढूंढ रहे थे जिसमें से एक लड़का अस्थमा का पेशेंट था जो हर वक्त अपने साथ पंप लेके चलता था। अब इन तीनों लड़कों का गेम का बहुत ज्यादा शौक होता है जो पूरे दिन रात गेम 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 खेलते रहते हैं। बस इवन ये एक दूसरे के पास भी बैठ के मुंह से नहीं बल्कि चैट के थ्रू बात करती है कि तभी इनकी नजर अचानक दूर उठ रहे धुएं पर पड़ती है। तो इसलिए ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अलग अलग जाके मैंडी को ढूंढेंगे। अब थोड़ी देर बाद एक लफंगा उस धुएं में आ जाता है जहां मैंडी मौका देखते ही उसे मार देती है। अब मैंडी उस पर दोबारा अटैक करती है जान से मारने के लिए, लेकिन उसे तड़पता हुआ देख वो छोड़ देती है, पर वो लड़का अपनी गन निकाल कर मैंडी को शूट करने वाला होता है, तो इसलिए मैंडी ज्यादा ना सोचते हुए इस बार उस लड़के को टपका देती है। अब ये दूसरा अस्थमा का मरीज वाला पेशेंट एक झोपड़ी में आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की यानी मैंडी यहाँ छुपी हो सकती है, तो इसलिए वो उसको चेक करता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, तो इसलिए वो वहाँ बैठकर अपने दोस्त के साथ चैट करने लगता है कि तभी पीछे से मैंडी गन लेके उसके पीछे खड़ी हो जाती है। पर ये लड़का काफी क्लेवर होता है तो इसलिए पीछे मुड़ते ही वो मैंडी के मुंह पे चिली स्प्रे मार देता है और मौका मिलते ही दोनों लोग अपनी अपनी गन उठा के एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और जल्दी हमें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंडी एक फोन के साथ उस झोपड़ी से बाहर आ चुकी है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि गोली किसने चलाई और किस पे चलाई। अब मैंडी उस फोन के थ्रू पुलिस वालों को कॉल करने लगती है कि तभी तीसरे लड़के का मैसेज आता है जो पुलिस से पहले ही मैंडी के लोकेशन पे पहुंचने वाला था। अब मैंडी मैसेज करके उस लड़के को निशान वाले पेड़ों के पास बुलाती है और वहां आते ही मैंडी उल्टा लटक के उस लड़के को पकड़ लेती है, गर्दन दबा देती है, पर वो लड़का भी जैसे तैसे करके मैंडी के हाथों से छूट जाता है और उसे नीचे गिरा के उस पे अटैक कर देता है, उसे मतलब बहुत जोर से मार देता है। अब मैंडी बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद वो लड़का मैंडी को बांध के एक जगह ले जाता है और एक टेबल पे लिटा देता है और पानी डाल के उसे जगाता है और उसे मारने वाला ही होता है कि उसकी माँ का फोन आ जाता है और अब वो लड़का अपनी माँ से बात करते हुए थोड़ा दूर चला जाता है। हाँ माँ, मैं आपको कॉल करने वाला ही था, मैं बस अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने में थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए कॉल नहीं कर पाया, सॉरी मॉम। पर इसकी बात के दौरान यहाँ मैंडी अपने हाथ पर खोल लेती है और यहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही लड़का फोन काट के पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ मैंडी नहीं दिखाई देती। अब मैंडी भी इस लड़के से बचने के लिए यहाँ वहाँ छुप रही थी, पर वो लड़का मैंडी को ढूंढ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी मैंडी के हाथों एक ब्लेड मशीन लगती है जिसे वो उस लड़के की गर्दन में घुसा देती है, जिससे वो लड़का मर जाता है और मैंडी के जैसे तैसे करके जान बच जाती है या बचा लेती है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये लड़के रियल लाइफ और काल्पनिक लाइफ में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, मतलब ये गेम खेल खेल के काल्पनिक दुनिया को ही सच मान बैठे थे, इसलिए हम लोग जैसे गेम खेलते हैं और एक दूसरे को मारते हैं गेम के अंदर, वैसे ही ये लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कर रहे थे जो कि बिल्कुल गलत था, इलीगल था। सो इसलिए हमें अपने बच्चों पर ध्यान जरूर देना चाहिए और अगर आप खुद एक बच्चे हैं तो आपको इससे सीख लेनी चाहिए कि रियल लाइफ और गेमिंग लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो इसे समझो और लाइफ एंजॉय करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।